हरिओम शंकर बाबलो, टाइम हो चुका है अभी 5:30 और हम लोग नींद भी खुल चुकी है, नींद भी भजन सी खुली अभी, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है। टेम्परेचर -6 डिग्री जा रखा है पर काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये देख सकते हो आप, हम लोगों का नाश्ते का सेटअप रेडी हो चुका है। अभी हम लोग सूप बनाएंगे और फिर उसके बाद निकलेंगे हम लोग वासुकी ताल के लिए, तो जल्दी आप लोगों को वासुकी ताल का नज़ारा दिखाएंगे। ओम नमः शिवाय और हर महादेव। आ गई थी सर जी नींद फिर? अरे भाई आ गई थी यार, ठंडा बहुत था, ठंडा तो बहुत वाड़ लग गई ठंड से। इधर पे वैसे हमारे पास कुछ था नहीं अरेंजमेंट, ऐसे होना पड़ा, क्या कर सकते, गला भी जाम हो गया मेरा। चलो बांसों की दाल जल लो, देखते हैं भाई साहब क्या बोलते हैं अपने पार्टनर लोग, इसके बाद चलते हैं। अभी कैसा लग रहा है आपको इधर पे? मेरे को तो यार मज़ा आया, मौसम सही हो रहा है ना। मैं भी 2-4 वीडियो ले लेता हूँ अच्छे से, वहाँ पे धूप निकल रही है, मस्त लग रहा है। तो दोस्तों हम लोग भी चलते हैं वासुकी ताल के लिए, आगे आप लोगों को दिखाते हैं नज़ारे। निकल रहे हैं वासुकी ताल में। हाँ जी भाई, तो यहाँ पे गुड मॉर्निंग बाबा लोगों, आप लोग देख सकते हैं सुबह यहाँ कितनी भीड़ हो रही है, अभी सारे सरदार लोग यहाँ पहुँचे हैं और हम लोग अभी वासुकी ताल निकल रहे हैं। क्या बोलूँ, तो नेक्स्ट वीडियो दिखाते हैं आपको। हरिहर दोस्तों, हम लोग वासुकी ताल के लिए अपना ट्रैकिंग कर लिया अभी, और यहाँ से टूट हो गया ऐसे रास्ता निकलता है वासुकी ताल का, तकरीबन 4-8 किलोमीटर बताते हैं, 7-8 किलोमीटर का ट्रैक है। तो देखते हैं अभी यहाँ से, अभी हमें सीधा खड़ा चढ़ना है ऊपर, तो क्या सीन है, क्या जा रहे हैं देखते हैं फिर आगे। जल्दी मिलते हैं दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों हम लोग नीचे से अभी 1 या 1.5 किलोमीटर आ चुके हैं ऊपर, 1 या 1.5 किलोमीटर नहीं, हाँ 1 किलोमीटर के आसपास, और यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिली, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पे आके चूतिया बंदी भी करते हैं। जय बाबा, आप क्या बोलना चाहोगे इनके? सदा धाम में आ रहे है, कोई ये नहीं है कि सारा दारू पीने आ जाए यहाँ, ये खुद आदमी को सोचना चाहिए। लोगों में सला आस्था नहीं रही यार, कोई सरदा लेके नहीं आता और ये नहीं सोचता कि हम लोग धाम पे जा रहे हैं, बहुत गलत बात है। हम लोगों को सुधरना चाहिए, ऐसे तो यहाँ के समाज को भी पूरा समझना चाहिए। रास्ते में हर कोई दारू पीने वाले, जितने भी होटल वाले थे, घोड़े खच्चर कंडी टंडे, सब दारू पी के चल लेते हैं। यहाँ के पुलिस प्रशासन और यहाँ के जो भी पूरे समाज हैं या यहाँ के लोकल लोग हैं, इन लोगों को समझना चाहिए। इसलिए हम लोग प्रकृति के साथ खेलेंगे तो प्रकृति हमारे साथ तो खेलेगी ही है, इसलिए हरिओम बाबा। सब दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग ये सब ना करें यार, यहाँ पर आके तो बिल्कुल भी ना करें, ठीक है? आप लोगों को दारू ही पीनी है तो वैसी जगह जाएं आप लोग फिर। तो हरिओम बाबा जी। दोस्तों रास्ते में एक गुफा है, रामानंद एंड गुफा, तो बाबा जी दरवाज़ा तो खोल नहीं रहे हैं अभी, तो हम लोग चलते हैं अपने सफ़र पर आगे। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। दोस्तों हम लोगों ने अपने सफ़र का पहला पड़ाव पार कर लिया अभी और हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। भैया आप यहाँ से व्यू भी देख सकते हैं केदारनाथ की, देख सकते हैं हम लोग, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। और दोस्तों इसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ ऊपर, वहाँ से हमारा ट्रैक आगे के लिए होगा, तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं जल्दी आपसे आगे। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। जय हो सूर्य नारायण, बोल हर हर महादेव। दोस्तों अभी हम लोग हाथ मुंह धोने के लिए, फ्रेश व्रेश होने के लिए रुके थे यहाँ पे, और ये रास्ता ये पानी के बगल से होते हुए जा रहा है ये, और ये सीधा आपको ऊपर मिलेगा, तो चलते हैं अभी ऊपर, दिखाते हैं आपको ऊपर का नज़ारा। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। दोस्तों हम लोग काफ़ी ऊपर निकल आए हैं अभी, तो जय के बाबा। बाबा अभी कैसा फील हो रहा है बाबा? मस्त मजा आ रहा बाबा चलने में। और दोस्तों आप देख सकते हैं बर्फ से ढके रास्ता भी स्टार्ट हो चुका है, तो अभी इस पर चल के हम लोगों को बढ़िया है, और वो नीचे बाबा का मंदिर सामने हिमालय, तो चलते हैं अभी ऊपर, मिलते हैं जल्दी। दोस्तों
काफ़ी देर चलने के बाद हम लोग काफ़ी ऊपर निकल आए, वो बाबा केदार का मंदिर उधर नीचे, और ये हम लोग ऊपर निकल आए अभी, और अभी भी हमारा 3 से 4 किलोमीटर बचा ट्रैक। तो जेके बाबा से पूछेंगे, जेके बाबा कैसे लग रहा है बाबा केदार की घाटी में? आप लोग देख ही रहे हैं कि हम लोग चल ही रहे हैं अभी तक, सुबह से चल रहे हैं 7 बजे से, अभी 8:30 हो रहा है, 8:30 हो गया, 8:30 हो रहा है। अभी लगभग हमें 1-1.5 घंटा ही लगेगा जाने में, 3-4 किलोमीटर और है आगे। अब हमने सीधे पहाड़ी के पीछे से जाना है, उस वहाँ से फिर डाउन होना है, उसके बाद हम वास्की ताल पहुँच के फिर वहाँ का नज़ारा आप लोगों को दिखाएंगे। जय बोले। दोस्तों आप लोग बर्फ से ढका हुआ ये पैच देख सकते हो, अभी हमें इस पर ही होकर आगे जाना है, तो चलते हैं अभी, देखते हैं अभी आगे क्या सीन है। फाइनली बाबा लोगों काफ़ी ऊपर निकल आए हम लोग, और जेके बाबा फुल्ली एग्जॉस्टेड, और इसके बाद हम लोग कहाँ से निकलेंगे, ये सामने आप लोगों को रूट दिख रहा होगा ऊपर, वहाँ से हम लोगों ने क्रॉस करना उसको। जेके बाबा कैसा लग रहा है फिर? हरिओम हो रहा है, क्यों मजा ही कुछ और। हाँ तो दोस्तों चलते हैं अभी। दोस्तों ये रास्ता कुछ ऐसा है अब, और यहाँ से हम लोगों को अभी जाना है अगर आगे। यहाँ देख सकते आप लोग, देख ही रहे हैं कि हम लोग अभी एक से 1.5 फीट बर्फ गिरी हो गया है, इस बर्फ़ पे चल रहे हैं, बहुत ही कठिन रास्ता हो रहा है, ऊपर जा रहे तो फिसल के नीचे ही आ रहे हैं, और हम लोग पूरा जाएंगे महादेव का नाम लेके बोल हर हर लोगों को दिखाएंगे। और यहाँ पे बर्फीली हवा भी काफ़ी तेज चल रही है, हाँ। हमारे चेहरे को फाड़ के जा रही है, तो आप शक्ल देख सकते हो, हम शक्ल देख सकते हैं आप लोग हमारी कैसी हो रखी है ठंड से, फिर भी हम हार नहीं मानेंगे, भोले का नाम लेते आगे चलते रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे देख सकते हो दोस्तों आप लोग, ये मेरा पैर पूरा अंदर घुस चुका है, काफ़ी गहरी बर्फ़ पड़ी हुई है, और ये पैच काफ़ी मज़ेदार हो रहा है चलने में वैसे, तो देखते हैं आगे कितना टफ है रूट, और ये देख सकते हो आप लोग। बाबा लोगों आप लोग देख सकते हैं हम लोग कितनी बर्फ में चल रहे हैं, यहाँ 2.5 से 3 फीट के लगभग बर्फ हो गए। और बाबा जी आप कुछ बोलना चाहते हैं, कैसा लग रहा है? बोलना चाहेंगे, यहाँ देखिए आप नीचे देखिए नज़ारा, और यहाँ पैर फिसला बंदे का तो बंदा सीधा नीचे बिना टिकट के, यहाँ देखिए आप लोग सारे बादल नीचे दिखे, वो पार आप हिमालय देंगे, आप देख सकते हो आप लोग, थोड़ा कैमरा उठाना बाबा, थोड़ा वो पार 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 हिमालय की तरफ दिख रहा है हिमालय, हाँ वो हिमालय। आप लोग देख ही सकते हैं हम कैसे जगह जा रहे हैं, और अल्टीमेट जगह बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, ठंड भी लगी रही फिर भी चली रहे हैं, बर्फीली हवा भी चली रही, और बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा है, 2.5 से 3 फीट लगभग तो होगी इतनी। देखो डंडा पूरा आधा अंदर जा रहा है, रेगुलर चले जा रहे हैं क्योंकि हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि आप लोग भी थोड़ा हमें सपोर्ट करें, हमारे बाबा जी को सपोर्ट करें। तो दोस्तों यही नज़ारा है जिसके लिए हम जीते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, आप लोग देख सकते हो पूरा हिमालय रेंज यहाँ से दिखाई दे रही है, और अल्टीमेट फीलिंग है यार ब्रो, अल्टीमेट फीलिंग। और अभी हमें ऊपर जाना है तो चलते हैं दोस्तों। दोस्तों काफ़ी चलने के बाद हम थोड़ी देर रुक गए थे, सोचा कुछ खा पी लें, तो साथ में रियल जूस वगैरह और ये नमकीन वगैरह लेके कैरी किया था हम लोगों ने अपने साथ, तो बस इसी चीज़ को खा रहे थे। फाइनली दोस्तों हम लोगों ने चढ़ाई पार कर ली अभी, और हम लोग ऊपर निकल आए हैं अभी, और ठंडा काफ़ी हो रहा है और मौसम भी काफ़ी ख़राब हो चुका है, टाइम अभी 10:30 हो रहा है लगभग, और टेम्परेचर -5 -6 के आसपास है, और अभी हम लोगों को आगे निकलना है, तो देखते हैं अभी चलते हैं फिर, चलो जेके बाबा। चलो बाबा। ओम नमः शिवाय। हरिओम हर हर महादेव। जय हो शंकर की।
फाइनली हम लोग पहुँच ही चुके हैं, बस अब यहाँ से थोड़ा ही होगा, फिर उसके बाद आपको नीचे का सीन दिखाएंगे वास्की ताल का। हर हर महादेव, प्रकृति का आनंद लें। दोस्तों फाइनली हम लोग टॉप पे पहुंच चुके हैं और ये नीचे आप वासुकी ताल को देख सकते हो, काफी खूबसूरत है और काफी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। काफी खुशी हो रही है। जेके बाबा, हाउस द टॉप, हर हर महादेव, आखिर में मंजिल पे पहुंच ही गए। फाइनली महादेव ने पूरा साथ दे दिया। आसमान भी अभी तक खराब हो रहा था पर अब खुलने लग गया है। महादेव हमारा साथ दे रहा है और हर हर महादेव। अभी हम लोग नीचे चलेंगे और देखेंगे, फिर नीचे आपको दिखाते हैं ब्यूटी ऑफ वासुकी ताल। तो चलते हैं दोस्तों नीचे और ये सामने आप लोग हिमालय भी देख सकते हो, काफी खूबसूरत नजारा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। पूछ के जाएंगे दोस्तों, वहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक नाग की आकृति का कुछ बना हुआ है वहाँ पे। हम लोगों को दूर से नाग ही लग रहा था वो, तो नीचे चल के देखते हैं क्या है वो वहाँ पे। तो चलते हैं। ये हम लोगों का रूट है जो अब यहाँ से नीचे होके जाएगा वासुकी ताल के लिए। तो चलिए फिर दोस्तों, ये हम वासुकी ताल पहुँचने वाले हैं अभी और आप लोग देख सकते हो स्नोफॉल होने लगा है, मौसम भी ख़राब हो चुका है। और ये हम लोगों का रूट था और काफ़ी जल्दी हम लोगों को करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और हम लोगों को अभी नीचे भी निकलना है। तो चलते हैं जल्दी नीचे फिर और फिर निकलेंगे घर। जय हो महाराज की, हर हर महादेव, शंभो शंकर। फाइनली दोस्तों, जेके बाबा और मैं टॉप पे हैं और काफ़ी हैवी स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे, ये देख सकते हो आप लोग और ये चारों तरफ नज़ारा। तो जेके बाबा, हरिओम बाबा, फाइनली हम लोग ऊपर पहुँच के कैसा लग रहा है? ऊपर पहुँच के बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोग भी देख सकते हैं अभी बर्फ़ भी गिरी रही, स्नोफॉल हो रहा है। हम लोग अभी शॉर्टकट के चक्कर में पड़े थे, थोड़ा इसलिए लेट हो गया क्योंकि ढंगार वाला रास्ता था, पत्थरों वाला रास्ता था, इसलिए जल्दी तय नहीं कर पाया रास्ता। फिर भी फाइनली हम लोग पहुँच ही गए। हर हर महादेव, जय शिव शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं जल्दी दोस्तों आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो और भाई लोगों, कभी भी अगर ऐसे ट्रिक में आना हो तो अपने पास सारा सामान लेके आए, लेके आए। हमें पता है हम लोग कैसे आए हैं ऐसे बर्फ में और कितनी ज्यादा बर्फ है ये हमें पता है। हाथ पैर जाम हो चुके हैं और फिर भी हम लोग आप लोगों को वीडियो दिखा रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे सेफ हैं। सपोर्ट कीजिए दोस्तों, सपोर्ट कीजिए। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आपसे जल्दी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो।